इंफोसिस ने जिस तरह से बायबैक अनाउंस किया है, पहले तो ये कंसीडर कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स जो है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि साल का एंड का भी रिजल्ट होगा फाइनेंशियल ईयर का, वो 13 और 14 अप्रैल को होगा, उसी समय ये बायबैक भी कंसीडर करेंगे। कंपनी के बुक्स पे अगर देखें 22,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। लास्ट के दो मरतबा कंपनी बायबैक ला चुकी है, और बायबैक में देखें दो तरह का मेनली बायबैक होता है। वन जो होता है वो कैपिटल गेन के थ्रू होता है, जो कि प्रॉफिटेबल होता है शेयर होल्डर्स के लिए, और दूसरा होता है मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कि कंपनी मार्केट से ही उन स्टॉक्स को चुनती है और अपने ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स को परचेज करती है, और उस केस में कंपनी के शेयर प्राइस गिरते नहीं है। तो आपको देखना होगा कि 14 तारीख को जो अनाउंसमेंट आ रहा है वो किस तरह के बायबैक की तरफ इशारा कर रहे हैं और करंट मार्केट प्राइस से कितना ऊपर है। मुझे लगता है कि अगर आप इसमें लंबे अवधि के निवेशक हैं तो आपको उस लिहाज से भी बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मौजूदा स्तर पे भी आपको खरीद के बायबैक में पार्टिसिपेशन के लिए आप खरीद सकते हैं। जितने भी आईटी सेक्टर हैं, अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा फ्लेयर करने वाले आईटी और फार्मा कंपनियां थी, क्योंकि कैश फ्लो के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कंपनियां कैश काउ हैं, और अगर आप वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको आईटी की लगती हैं, और उस लिहाज से ये सारी कंपनियां लाभान्वित होती हैं। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी आपको लेना चाहिए, और इसमें एक ब्रेकआउट भी 1400 रुपए के आसपास हुआ था, तो उस लेवल के ऊपर अगर चलता है तो 200 से 250 रुपए की तेजी फॉर्मेशन या चार्ट पैटर्न के लिहाज से भी है, तो 1400 रुपए एक अच्छा सपोर्ट होता है, उसको बेस मानकर आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो इसमें लेवल्स क्या होंगे मुझे एक बार फिर से बता दीजिए, स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और टारगेट क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें 1400 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखें, और इसमें जैसा मैंने बताया कि फॉर्मेशन जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें 200 रुपए की तेजी हो सकती है, तो 1400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, और 1600 का टारगेट के लिए एम कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी।